अगर तुमको पता चल जाए कि तुम्हारा जो रील्स वीडियो है वो तुम्हारा फॉलोवर्स के अलावा भी इंस्टाग्राम दूसरे लोगों के पास भेज रहा है या नहीं, मतलब कि जो लोग आपको फॉलो करके वो लोग तो आपका रील्स को देख रहे हैं बट जो लोग आपको फॉलो नहीं करके उन लोगों तक आपका रील्स जा रहा है या नहीं। इससे आपको ये चीज पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका अकाउंट फ्रीज तो नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों चीज रहेगा या शैडो बैन रहेगा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका रील्स जो है वो आगे जाने का ही नहीं है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये चीज आप तभी चेक कर पाओगे जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट होगा। नहीं है तो कर लो, है तो फिर चलो बैलेंस चेक करने। गाइज, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है, सॉरी अपने मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको अपना इनसाइट वाले सेक्शन पर आ जाना है। जैसे आप इनसाइट वाले सेक्शन पर आओगे तो यहाँ पर आपको इनसाइट ओवरव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। देन आपको उसके ऊपर में ना एक लास्ट 7 डेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कितना दिन का चेक करना है, बट मुझे लास्ट 7 डेज का करना है चेक, तो मैं लास्ट 7 डेज के ऊपर ही रहने दूंगा। और यहाँ से आपको ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देगा, जैसे करोगे तो लास्ट 7 डेज में यानी 7 दिन में जितना मेरा रीच आया वो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। एंड अकाउंट रीच के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट रीच के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आपको स्क्वाड ऑन करना है। जैसे आप स्क्वाड ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटेंट रीच का। कंटेंट रीच पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको रील्स और पोस्ट और स्टोरी का ऑप्शन दिखाई देता होगा। तो ये जो रील्स वाला आपको सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको एक ना ब्लू कलर का बीच में टॉपअप दिखाई देता होगा, वो जितना ज्यादा रहेगा समझो उतना ज्यादा अच्छा है। तो मेरा भी फिर भी बहुत कम है क्योंकि मैं अभी से एक्टिव हुआ हूँ और लास्ट 7 डेज के अंदर मेरे 3375 लोगों के पास रील्स गया, यानी कि न्यू ऑडियंस के पास मैं रील्स गया। बाकी अगर यहाँ पर लास्ट 7 डेज के ऊपर क्लिक करूँ, इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि लास्ट 40 डेज में कितने लोगों के पास गया। तो यहाँ से अपडेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। होने के बाद फिर से आप स्क्वाड ऑन करोगे तो लास्ट आपको 40 डेज का दिखा देगा कि लास्ट 40 डेज में कितना मेरा रीच आया है। तो लास्ट 40 डेज में मैंने जितना भी रील्स अपलोड किया है वो सब 6490 लोगों के पास मेरा नया ऑडियंस के पास रील्स गया है। और पोस्ट भी आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई देता होगा। और लास्ट, बाकी अगर तुमको मेरा काम पसंद आए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।